क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। एक कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर का लेंथ क्या है ये हमें नहीं बताया गया है। हम लेट सपोज कर लेते हैं ये कॉपर वायर, उसका लेंथ एल है, ठीक है। अच्छा, कॉपर वायर का डायमीटर क्या बोल रहा है, 0.5 mm। अब डायमीटर क्या होता है, आप वायर के कोने में देखेंगे, एंड में आप देखेंगे तो आपको सर्कल का शेप नजर आएगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल में डायमीटर तो आप जानते हैं ना, ये देख सकते हैं डायमीटर, इसको कहते हैं, ये बीच वाली जो लाइन है डायमीटर है। तो ये डायमीटर जो दिया हुआ है वो 0.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर 0.5 mm है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस रेडियस हो गया, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस निकाल देंगे, तो रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉपर वायर है और कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो उस केस में रेजिस्टेंस तब क्या होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने, जो हमारा ये जो कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर डी है, ये दिया हुआ 0.5 mm, इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ये होगा आर इक्वल टू फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो ये आर रेजिस्टेंस होगा इस वाले कॉपर वायर का, तो वो क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए इक्वल टू, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, क्योंकि कॉपर का बना है तो ये कॉपर की रेजिस्टिविटी बता रहा है, ये हो गया एल अपॉन ए। ए क्या है, एरिया, ये ए का मतलब क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ये जो आपको गोल पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को एरिया क्रॉस सेक्शन कहते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर तो पता ही है, ये दिया हुआ है और रेडियस हमने बता दिया कि डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, एरिया ऑफ सर्कल, इसी सर्कल का एरिया निकालना जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर रो एल अपॉन पाई, और ये आर क्या है, क्योंकि रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ, तो हम इस आर की जगह क्या लिख देंगे, डी अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई, इसको ओपन करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये आ गया, ये फोर ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। और हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं फोर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो फोर जब इक्वल टू के इधर आएगा रेडियस के साइड में, फोर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये फोर इंटू में था, इधर साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ये आर अपॉन फोर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, मतलब फोर को मैं इधर लेकर आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस निकला है ना, ये इस वाले कॉपर वायर का निकला है। अब जब हम, ये कह रहा है कि अगर हम इस कॉपर वायर का डायमीटर डबल कर दे, ठीक है, पहले डायमीटर क्या था इसका, डी था, डी, अब हम डबल कर देंगे। अगर आप इस किसी भी सर्कल का डायमीटर अगर कुछ भी है, अगर आप उसके सर्कल का डायमीटर डबल कर देंगे, अगर पहले ये डायमीटर है मान लीजिए वन है, ठीक है, वन डायमीटर है इसका, डायमीटर वन दिया हुआ है, अगर डबल कर देंगे टू कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ये सर्कल बड़ी हो जाएगी, डायमीटर बड़ा करेंगे तो सर्कल बड़ी हो जाएगी, सर्कल बड़ी हो जाएगी तो मतलब कि ये वायर पहले से ज्यादा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जब डायमीटर डबल हो जाएगा तो मैंने ये नया डायग्राम बनाया है। लेंथ इस कॉपर वायर की वही रहेगी, ठीक है, लेंथ वही रहेगी, कॉपर ही वायर रहेगा, लेकिन डायमीटर जब डबल हो जाएगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा थिक हो जाएगा, पहले से ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तब उस केस में क्या है कि डायमीटर हमारा डबल हो जाएगा, 2D, पहले वाले डायमीटर का डबल यानी कि 2D हो जाएगा। तो 2D को मैंने क्या मान लिया, डी डैश मान लिया, ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी डैश। और ये डायमीटर है तब इस केस में रेडियस भी बदल जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर डैश। और रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ, तो इस डायमीटर का हाफ कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। तो देखिए, डी डैश अपॉन टू, और डी डैश किसके बराबर है, डी डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल डायमीटर। तो वो क्या हो जाएगा, डी डैश की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 2D अपॉन टू, यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये डी आ गया, यानी कि इस केस में जो रेडियस है ना आर डैश, वो किसके बराबर है, डी के बराबर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मेरा इक्वेशन ए हो गया, ठीक है। तो अच्छा, अब इस वायर का जब हमने डायमीटर डबल कर दिया तो आप देख सकते हैं वायर का शेप एकदम चेंज हो गया, ये पहले से थिक हो गया, मोटा हो गया। तब इस केस में रेजिस्टेंस भी बदल जाएगी, जब ये रेजिस्टेंस बदलेगी इस केस में, तब उस रेजिस्टेंस को मैं आर डैश मान लूंगी, ठीक है। आर डैश मान लिया, इक्वल टू रो, रो तो वही रहेगा सेम, क्योंकि रो क्या है, रेजिस्टिविटी, दोनों कॉपर वायर का बना हुआ है तो रो सेम रहेगा कांस्टेंट। और देखिए, लेंथ जो था इसका, वही लेंथ इसका भी, ये सेम है, तो एल वही रहेगा। लेकिन देखिए, यहाँ ए डैश बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, क्यों, यहाँ देख सकते हैं डायमीटर बदल जाएगा, डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस भी चेंज होगा, जब रेडियस चेंज होगा तो ये एरिया भी तो भाई चेंज हो जाएगी,
पहले कंपैरिजन में एरिया जो है बदल जाएगा, तो उसको मैंने क्या मान लिया, ए डैश मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रो एल अपॉन, इस ए डैश की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ए क्या है, ए डैश क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया पाई। और इस केस में रेडियस क्या माना था मैंने, इस केस में इसका रेडियस मैंने आर डैश माना है, तो यहाँ मैं आर डैश लिख दूंगी। ठीक है, इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, और आर डैश किसके बराबर है, ये देखिए डी के बराबर, यहाँ मैंने सब सॉल्व कर दिया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, डी का स्क्वायर, क्योंकि आर डैश डी के बराबर है, तो आर डैश स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम ए, यहाँ मैंने लिख भी दिया इक्वेशन फ्रॉम ए से लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये क्वांटिटी ये किसके बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट ए देखिए यहाँ पर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर किसके बराबर है, आर अपॉन फोर, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर अपॉन फोर ओम, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है ना, जो ये इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगर आप कोई भी मोटा वायर लेंगे ना, अगर आपका वायर पतला है उस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन आप वही मोटा वायर लेंगे ना तो उस केस में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस आया है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बना दी है।